से एक आदमी ने मेरी पूरी कहानी खत्म कर दी। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। दोस्तों, बॉलीवुड की एक और नई एक्शन मूवी बाप के बारे में न्यू अपडेट सामने आ रही है। सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ जैसे बेहतरीन और दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है और ये एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है, जो कि अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सनी देओल इस फिल्म में अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलेंगे, वहीं संजय दत्त फिल्म में गैंगस्टर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जिनके किरदार का नाम बल्लू रखा गया है। मिथुन चक्रवर्ती येदा भगत और जैकी श्रॉफ जय किशन का इम्पोर्टेंट रोल करते हुए नजर आएंगे। इन चारों ही एक्टर्स ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और फैंस भी उनकी हर फिल्म को देखना पसंद करते हैं, और अब फैंस इन चारों सुपरस्टार को एक साथ एक ही फिल्म में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। मूवी को विवेक चौहान के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है और अहमद खान इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार बाप मूवी की शूटिंग अभी चल रही है और कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली है। फिल्म में बहुत ही पावरफुल एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, लेकिन फैंस को इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म इस साल के अंत में सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप 80s और 90s के सुपरस्टार सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ की इस एक्शन पैक्ड फिल्म बाप को देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।